व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मालवन स्पेशल वड़े की भाजनी। ये रेसिपी जो है ये कोकण में मालवन से बिलोंग करती है और आप जब भी किसी मालवनी रेस्टोरेंट में जाओगे तो कोमड़ी वड़े और मटन वड़े उनके स्पेशल मेन्यू में पाओगे। इन वड़े को भोकाचे वड़े या फिर फुगेरे वड़े भी बोलते हैं। इसे चिकन मटन के साथ खाया जाता है और वेजिटेरियंस इसे उसल के साथ खाना पसंद करते हैं। ये जो रेसिपी है ये रेसिपी मेरे मम्मी के घर में एक मौसी की थी, उन्हीं की ये रेसिपी है और काफ़ी सालों से इस रेसिपी को हमारे घर में बनाया जाता है। परफेक्ट इंग्रेडिएंट और मसालों के साथ इस रेसिपी को मैंने आपके साथ शेयर किया है। इस रेसिपी से आपके वड़े खुशबूदार, खस्ता, क्रिस्पी और गुब्बारे जैसे फूले फूले बनेंगे। मार्केट में वड़े का आटा इजीली अवेलेबल होता है, मगर जो बात घर के बने फ्रेश आटे में है वो रेडीमेड आटे में नहीं है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर देना कि आपके वड़े कैसे बने हैं। मुझे यकीन है कि बहुत ही मज़े के और टेस्टी बनेंगे। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। वड़े का आटा बनाने के लिए ये सारे इंग्रेडिएंट हमें लगने वाले हैं। हमने यहाँ पर लिए हैं चावल। ये चावल जो हमने इस्तेमाल किए हैं ये रोटी के चावल है और ये कोकन में साल भर के लिए बनाकर स्टोर किए जाते हैं, तो उसी का हमने इस्तेमाल किया। आप कोई भी चावल का इस्तेमाल कर सकते हो, उसे आपको 2 से 3 मरतबा अच्छे से धोकर सुखा कर लेना है। तो आप ओवरनाइट भी सुखा सकते हो या फिर धूप में भी सुखा कर ले सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पर लगने वाली है जौहरी, तो जौहरी भी हमने अच्छी क्वालिटी की ही यहाँ पर इस्तेमाल की है। चने की दाल ली है, उड़द दाल ली है जिससे पापड़ बनाए जाते हैं, उस उड़द दाल का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। और ये जो पोहा हमने इस्तेमाल किया है ये मोटा वाला जो पोहा होता है जिससे कांदे पोहे बनाते हैं, उसी पोहे का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हमने साबित धनिया लिया है और यहाँ पे सौंफ लिया है, साबित सौंफ है, और यहाँ पे ज़ीरा है, सफ़ेद वाला ज़ीरा जो हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, और ये अजवाइन लिया है, ये मेथी दाना लिया है और ये ब्लैक पेपर लिया है। इन सारी चीज़ों की क्वांटिटी मैं आपको भूनते वक्त बताऊंगी। तो अब हम भूनने की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने चावल जो लिए हैं इन्हें हमें भूनना नहीं है, जौहरी और चावल को हम स्किप करेंगे और जो बाकी इंग्रेडिएंट हैं बचे हुए तो उन्हें हम भून लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो चावल लिए हैं ये आधा किलो चावल है, यानी कि 500 ग्राम हमने चावल लिए हैं, और ये जौहरी ली है 250 ग्राम, यानी कि 1/4 किलो हमने जौहरी ली है। तो ये दोनों चीज़ों को हम साइड में रखेंगे और बाकी चीज़ों को भून लेंगे। हमने यहाँ पर एक बर्तन लिया है और बर्तन में हम ऐड करेंगे चना दाल। चने की जो दाल है वो हम इसमें डाल देते हैं और इसे हम भून लेंगे। हमने यहाँ पर चना दाल ली है 200 ग्राम, यानी कि 200 ग्राम हमने चना दाल ली है। तो चने की दाल को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे जब आप भूनेंगे तो इवन भी अच्छे से ये भून के तैयार हो जाती है, नहीं तो कोई कोई जलती है और कोई काली भी हो जाती है। इसलिए हमें ध्यान से सारे जो इंग्रेडिएंट हमें यहाँ पे अभी भूनने हैं इन्हें ध्यान से भूनना है। चने की दाल को देखिए हमने इवनली अच्छे से भून लिया है, तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। चने की दाल को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे उड़द की दाल। हमें उड़द की दाल को भी लो फ्लेम पे ही भूनना है। हल्का कलर चेंज होने तक हम उड़द की दाल को भूनेंगे। उड़द की दाल को देखिए हमने भून लिया है और इसका हल्का सा ही कलर चेंज हुआ है, ज़्यादा इसे हमें गोल्डन होने तक भूनना नहीं है। तकरीबन हमने 3 से 4 मिनट इस उड़द दाल को लो फ्लेम पे भून लिया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। उड़द की दाल को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे पोहे। ये पोहा जो है ये जो हम कांदे पोहे बनाते हैं वही मोटे वाले पोहे का हमने इस्तेमाल किया है, और ये पोहा हमने 1 कप लिया है, मेजरिंग कप से हमने 1 कप पोहा लिया है। पोहे को भी हमने भून लिया है, तकरीबन 1.5 मिनट तक हमने पोहा भूना है गर्म बर्तन में ही। देखिए पोहा अच्छा क्रिस्पी हो गया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। उसी गरम बर्तन में हम ऐड करेंगे धनिया। हमने यहाँ पे जो साबित धनिया लिया है इसे हमें भूनना है। लो फ्लेम पे हम इसे भूनेंगे।
3 टेबलस्पून हमने यहाँ पे साबित धनिया लिया है। इन सारी चीज़ों को भूनकर जब हम लेते हैं तो जब हमारे वड़े बनेंगे तो ये हल्के वाले फुलके बनेंगे, इसलिए हमने अच्छे से सारी चीज़ों को भून के लेना है। धनिया को हमें 1 से 1.5 मिनट तक ही भूनना है। जैसे इसकी खुशबू आना स्टार्ट होती हो जाती है तब हम इसे बंद करेंगे फ्लेम को और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसी गर्म बर्तन में हम 3 टेबलस्पून सौंफ ऐड करेंगे। ये जो सारे मसाले हैं जैसे कि धनिया, जीरा, सौंफ, ये हमें सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक ही भूनना है। अगर हम इसे ज़्यादा भूनेंगे तो ये वड़े में कड़वाहट थोड़ी सी आ जाएगी या फिर ज़्यादा स्मेल आ जाएगी, इसलिए हमें इतना ही इसे भूनना है ताकि टेस्ट अच्छा हो जाए और वड़े हमारे बहुत ही टेस्टी बने। ये सारी चीज़ें भूनना बहुत ज़रूरी है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हो चुका है तो अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और सौंफ को एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसी गरम बर्तन में हम जीरा ऐड करेंगे और जीरे को भी हम भूनेंगे। 1 टेबलस्पून हमने जीरा लिया है और इसे भी हमें 1 से 1.5 मिनट तक ही भूनना है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम मेथी दाने को भी भून लेते हैं। 2 टीस्पून हमने मेथी दाना लिया है। मेथी दाना हम 2 मिनट भूनेंगे, लो फ्लेम पे ही हमें भूनना है सारी चीज़ों को। मेथी दाने को भी हमने अच्छे से भून लिया है तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब हम अजवाइन भूनेंगे। 1 टीस्पून हमने अजवाइन दिया है और अजवाइन को भी हमें भूनना है। 1 मिनट तक हम अजवाइन को भूनेंगे। बर्तन अभी हमारा गर्म है इसलिए हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और गर्म बर्तन में हम भूनेंगे। देखिए ये भून गया है, इसकी खुशबू आ गई है तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। उसी गर्म बर्तन में हम 1 टीस्पून ब्लैक पेपर भून लेते हैं। इसे भी हम खुशबू आने तक भूनेंगे। ब्लैक पेपर को भी हमने 1.5 मिनट तक भून लिया है तो अब हम इसे भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सारे इंग्रेडिएंट को हमने भून लिया है और अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स करेंगे और चक्की में पिसवाएंगे। और आप जब भी इसे पिसवाएंगे तब आपको इसका ध्यान रखना होगा कि यह आटा जो है ये थोड़ा सा मोटा रखना है। हल्का जब ये मोटा रहेगा, इसका टेक्सचर आटे का मोटा रहना ज़रूरी है। जब ये मोटा रहेगा तो ही हमारे जो वड़े बनेंगे ये खस्ता बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे, बहुत ही खाने में टेस्टी लगते हैं। और ये रेसिपी जो है ये परफेक्ट रेसिपी है। और ये रेसिपी मेरे मायके की है, मेरे मम्मी के घर में ये रेसिपी जब से मैं छोटी थी तब से ये बन रही है, क्योंकि हमारे घर में एक मौसी थी, उस मौसी की ये रेसिपी है और ये परफेक्ट रेसिपी है। आप इस रेसिपी को फॉलो करना, जब भी आप वड़े बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे आपके वड़े। और ये जो वड़े होते हैं ये मटन के साथ या फिर चिकन के साथ ही खाना ज़रूरी नहीं है। अगर आप चिकन मटन नहीं खाते हो तो आप इसे उसल के साथ भी खा सकते हो। तो इस रेसिपी को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना और ज़रूर ट्राई करना। जब आप इसे पिसवा कर लाएंगे तब आप इसे स्टोर करके इस आटे को 6 महीने तक रख सकते हैं। इस आटे को कुछ भी नहीं होता है, एयरटाइट कंटेनर में आप इसे स्टोर करके रख सकते हो। और अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।